हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। मैं हूँ अंजू। रंजूस ऑनलाइन शॉपिंग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद छोटा सा जो बेल आइकन आता है उसको हिट करना ना भूलें। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कुर्तीज़ हॉल के बारे में एंड स्कर्ट के बारे में। एक्चुअली मैंने कुर्तीज़ एंड स्कर्ट कुछ मंगाया, पहनने के बाद वॉश करने के बाद ही मैं आपके साथ इसका वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो मैंने सोचा पहले मैं इसको यूज़ कर लूँ, यूज़ करने के बाद देखूँ इसका कलर जाता है, क्वालिटी कैसा है। तो इसके लिए फिर मैंने पहले इसको यूज़ कर लिया, उसके बाद ही मैं आपके साथ इसका वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेंड, चलिए बिना कोई देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, चलिए दिखाती हूँ, पहले कुर्ते से स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं, ये है वो कुर्ता। तो ये कुर्ता जो है फ्रेंड्स, ये मैंने मिंत्रा से मंगाया है। मिंत्रा में जो सेल चालू थी उसी समय मंगाया था, 3-4 महीने पहले कुछ मंगाया था। तो एक्चुअली उस समय मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो मैं पहले स्टार्टिंग में इसको चेक करना चाहती थी कि ये किस तरह की क्वालिटी में है। तो फ्रेंड, चलिए अभी सोचा कि फाइनली वीडियो बना दूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं, इसका जो ब्रांड नेम है वो देख सकते हैं, ला फिरंगी ब्रांड नेम है, आप देख पा रहे हैं। और इसमें जो मेरा साइज़ है वो स्मॉल साइज़ है फ्रेंड, देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसका कलर तो आपको वैसे देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये कौन से कलर का है। देखिए, ये हल्के से ऑरेंज कलर में, तो ये ऑरेंज कलर में है फ्रेंड, देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। तो फ्रेंड, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं, आगे से जो नेक है इसका वो राउंड नेक में है, और बैक साइड से भी जो नेक है वो बोट नेक टाइप में, हल्के से बोट नेक में है, देख सकते हैं। और नेक के पास आपको देखिए इस तरह से गोल्डन कलर का बॉर्डर आपको लगा के मिल जाता है। पूरे गले में आपको इस तरह का बॉर्डर मिल जाता है फ्रेंड, देख सकते हैं। आगे पीछे दोनों तरफ से आपको बॉर्डर मिल जाता है। और हैंड्स की बात करूँ फ्रेंड, तो इसके जो हैंड थे इसमें एक्चुअली 3-4 हैंड थे यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर जो था इस तरह से यहाँ पर कट था, मुझे नहीं अच्छा लगा एक्चुअली। मुझे बहुत ही लूज़ हो रहा था एक्चुअली, तो वो बहुत नीचे गिर रहा था, कोल्ड शोल्डर टाइप में था, तो मुझे इतना ठीक नहीं लगा। तो फिर मैंने उसका जो हैंड उसको निकाल के फिर इतने मैंने इसमें सेम ही हैंड्स लगवाया है। और देखिए यहाँ पे भी बॉर्डर लगी हुई आपको मिल जाती है, और जो यहाँ पे भी मैंने हैंड कट करके सेम ही हैंड लगवा के यहाँ पे इसमें बॉर्डर अटैच करवा लिया है, देख सकते हैं इस तरह से करवा लिया है। और देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको आगे की तरफ से इस तरह से बटन मिल जा सॉरी पम मिल जाते हैं, मतलब बटन टाइप में है। सिर्फ आपको फर्स्ट वाला बटन मिल जाता है, नीचे की तरफ जो बटन्स लगे वो सिर्फ शो के देखने के लिए बहुत ही अच्छे लगते हैं। और फ्रेंड देख सकते हैं, पूरा जो कुर्ता है वो देखिए राउंड, मतलब इसमें राउंड शेप में है, देख सकते हैं इस तरह से। ये फ्रेंड देखिए, पूरा राउंड शेप में है, ये देखिए इस तरह से टर्न हो जाता है यहाँ से, ये देखिए। और पूरे आपको ये जो कुर्ता है यहाँ से आपको बॉर्डर अटैच करके मिल जाता है फ्रेंड, देख सकते हैं इस तरह से। आगे से भी और पीछे से भी देखिए इस तरह से भी, बैक साइड से भी आपको बॉर्डर अटैच करके मिल जाता है पूरे कुर्ते में। और फ्रेंड बैक से देखेंगे तो बैक से देख सकते हैं इस तरह से आपको पूरा गले पर जो है बॉर्डर लगी हुई है, और पूरा आपको प्लेन मिल जाता है इसी तरह से। देखिए जिस तरह से कुर्ता है, ये देखिए इस तरह से आपको मिल जाता है। इसका जो मटेरियल है फ्रेंड्स वो सिल्क ब्लेंड कपड़े में है, तो थोड़ा सा हल्का सा शाइन भी करता है, आप देख सकते हैं। तो इसका जो ओरिजिनल प्राइस डिस्काउंट प्राइस है मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, तो इसका ओरिजिनल इमेज भी मैं यहाँ पे डाल दूँगी, तो आप देख लेना फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा कुर्ता मुझे लगा, मैं कहीं जाने आने पर इसको पहनती हूँ, इसका कलर क्वालिटी भी मुझे बहुत ही पसंद आया। तो फ्रेंड्स ऑसम है ये कुर्ता, अगर आप भी इसको खरीदना चाहते हैं तो आप ज़रूर खरीद सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। मेरी तरफ से आपको बिग थम्स अप है फ्रेंड्स, आप ज़रूर इसको खरीद सकते हैं। इससे मैंने एक मिलता जुलता एक स्कर्ट मंगवाया था एक्चुअली, मुझे लेगीज मेरे पास बहुत हो चुकी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके ऊपर एक स्कर्ट वेयर करूँ। तो फिर इससे मिलता जुलता मैंने इसके पैर अप के लिए एक स्कर्ट मंगवाया है, तो चलिए मैं उसको भी आपको दिखाती हूँ किस तरह से है। तो फ्रेंड देख सकते हैं, ये है वो स्कर्ट, देखिए ये जब मैं इसको वेयर करती हूँ तो ये स्कर्ट इसके अंदर वेयर कर लेती, तो बहुत ही अच्छा लुक आता है पहनने के बाद, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है दोनों का। तो मैं आपको इसको ट्राई ऑन हॉल जरूर दूंगी, तो आप देख लेना। तो चलिए स्कर्ट के बारे में बताती हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से एक स्कर्ट है इसका। और फ्रेंड्स इसका जो ब्रांड नेम है वो देखिए, इसका जो ब्रांड नेम है मोदा रैपिड करके लिखा गया है, देखिए मैं शायद गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। और फ्रेंड इसमें जो मेरा साइज़ है वो स्मॉल साइज़ है। तो फ्रेंड्स इसका जो मटेरियल है वो है रेयन का मटेरियल, कॉटन रेयन मटेरियल में है, देख सकते बहुत ही स्मूद है और बहुत ही हल्का, इसका वेयर करने के बाद भी बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल फील होता है इसको वेयर करने के बाद। बहुत ही ठंडा कपड़ा है फ्रेंड्स, जैसे बोल सकते बहुत ठंडा है, इसको वेयर करने के बाद भी बहुत ही अच्छा लगता है और फील हाथ में लेते हैं तो ठंडा ठंडा फील होता है, इस तरह से इसका मटेरियल है। और फ्रेंड देख सकते पूरा प्रिंटेड है ये स्कर्ट,
देखिए ये जो पूरा प्रिंट है ये क्लोथ के अंदर का, ये निकलने वाला प्रिंट नहीं है। अब बहुत ही फ्लेरी स्कर्ट है फ्रेंड्स, बहुत ही फ्लेरी स्कर्ट है। इतना अच्छा स्कर्ट मुझे अच्छा लगा बहुत ही। मैं कभी कभी इसको प्लेन कुर्ते के साथ भी वेयर करती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। सिंपल से आप ज्वेलरी डाल लीजिए और सिंपल से कुर्ते के साथ, आप प्लेन कलर के कुर्ते के साथ साथ आप उसको, ब्लैक हो गया, येल्लो हो गया, वाइट हो गया, उसमें आप थोड़ा सा मिसमैच करके पहनेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए इस तरह से आपको इसका फ्लेयर मिल जाता है फ्रेंड्स, फ्लेयर बहुत ही ऑसम है। शायद मैं आपको कैमरे में दिखा पाऊँ। देखिए इस तरह से आपको इसका फ्लेयर मिल जाता है, फ्लेयर भी बहुत ही अच्छा है। और तो फ्रेंड्स कमर के पास देखिए आपको यहाँ पे इलास्टिक नहीं मिलता है, सिर्फ आपको यहाँ पे एक डोरी टाइप में मिल जाता है। देखिए इस तरह से आपको जब इसको पहनोगे तो आपको इसको डोरी से टाई कर लेना है। और ये देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से लटकन मिल जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और फ्रेंड देखिए यहाँ पे आपको एक जिप मिल जाता है, इस तरह से जिप का क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, देख सकते हैं इस तरह से। और इसका जो लास्ट में जो फ्रेंड्स बॉर्डर है, लास्ट एंड में जो है आपको इस तरह का, ये देखिए इस तरह का आपको इसमें बॉर्डर अटैच करके मिल जाता है। क्लोथ का ही बॉर्डर है, मतलब यहाँ पे कपड़ा अटैच किया गया है और ऊपर से देख सकते हैं रेड कलर का यहाँ पे आपको आता है पाइपिंग मिल जाता है इस तरह से, बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। इसमें लाइनिंग आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है तो थोड़ा सा ये सी थ्रू है, तो जब भी आप इसको वेयर करें तो अंदर से आपको इसके लाइनिंग वेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सी थ्रू होने की वजह से कंफर्टेबल फील नहीं होता है। अगर आप पहनते तो आप पहन सकते हैं, तो मैं जब भी इसको वेयर करती हूँ तो मैं लेगीज़ वगैरह इसके साथ पेयर कर लेती हूँ, तो पहनने के बाद इसका बहुत ही अच्छा लुक मिल जाता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसका जो ओरिजिनल प्राइस है, डिस्काउंट प्राइस मैं यहाँ पे सब मेंशन कर दूँगी, तो आप देख लेना। और फ्रेंड्स इसका ओरिजिनल इमेज भी मैं यहाँ पे शो कर दूँगी। तो फ्रेंड चलिए मैं अब दिखाती हूँ आपको ट्राई ऑन हॉल इसका, किस तरह से ये पहनने के बाद दोनों कुर्ताज और स्कर्ट का कॉम्बिनेशन कैसा लगता है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता। और फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करने के बाद छोटा सा जो बेल आइकन आता है उसको हिट करना ना भूले। तो फ्रेंड ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं कुछ नई वीडियोस में।